मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ ईशु, मैंने तुम्हें बुलाया है। ये सारी फाइलें कंप्लीट कर दो कल तक। ओके मैम, मैं ये सारी फाइलें कंप्लीट कर दूँगी। और हाँ, इसकी सारी एंट्रीज मैनुअली करना। मैम मैनुअली? मैम मैं ये सारा काम लैपटॉप से कर लेती हूँ ना, तो जल्दी हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा नहीं सारी फाइल्स मैनुअली कंप्लीट करनी है, तो मैं लैपटॉप की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेनी। जाओ करो जाके काम। ठीक है मैम। ईशु, सारी एंट्रीज हो गई? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ, बहुत सारा काम है और सब कुछ मैनुअली करना है ना, तो मैम टाइम लग रहा है। जल्दी करो, इसके बाद तुम्हें अकाउंट्स का काम भी करना है। पर मैम मैं तो एचआर डिपार्टमेंट में हूँ और अकाउंट्स का काम तो मुझे नहीं आता। अरे मुझसे आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? नहीं आता काम तो सीखो, उसके बाद करो, समझे? पूरा काम जल्दी से कंप्लीट करो। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ईशु बोलो। मैम आप सुबह से मुझे इतना सारा काम दिए जा रही है और ऐसा काम दे रही है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ये सारा काम एक दिन में सीख जाऊंगी? क्यों ईशु, तुम्हें तो यही लगता है ना कि इंसान सारा काम एक ही दिन में सीख सकता है? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? मतलब मैम मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जैसा तुमने उस डिलीवरी बॉय के साथ किया था। तुझे क्या दिक्कत है? हाँ इतनी देर से मैं तुझे कॉल करके कह रही हूँ कि फ्लैट नंबर 309 में आ जा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तुझे रास्ता पता नहीं है क्या? वो मैम क्या है ना, मैं नया नया जॉब पे लगा हूँ तो मुझे रास्तों का पता नहीं है। अरे तो तुम्हारी फोन में लोकेशन तो आती है ना, उसको देख के आ जाता। वो क्या है ना मैम, इस फोन की डिस्प्ले थोड़ी खराब सी है तो मुझे लोकेशन सही से दिख नहीं रही थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी दिक्कत सी हो गई। अगर तेरा फोन खराब है तो नया फोन ले लेना, नहीं तो काम छोड़ दे, क्यों कर रहा है इतनी मेहनत। और हाँ मुझसे ज्यादा जवान मत लड़ा, तुझे जितना बोला उतना बोल, बहस करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। सॉरी मैम। चल दे मुझे मेरा ऑर्डर। जी मैम। वो मैम आप मेरे पैसे तो दे देते। कौन से पैसे और किसके पैसे? तू लेट आया है, मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी, समझ आ रही है? प्लीज मैम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, वरना ना मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे। अरे कटते तो कटने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाए यहाँ से। लेकिन मैम आपको कैसे पता चला ये सब? वो तो जो हमारे ऑफिस का स्टाफ है ना, उसने मुझे बता दिया। उसने मुझे ये भी बताया कि तुमने डिलीवरी बॉय को पैसे ही नहीं दिए। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसके सारे पैसे उसे दे दिए। तुम्हें क्या लगता है ईशु कि इंसान एक दिन में सारा काम सीख सकता है? उस डिलीवरी बॉय ने कितनी मेहनत की थी उस काम के लिए, उसकी मेहनत की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए? तुम्हें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। वो एक गरीब आदमी है, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में घर घर जाकर डिलीवरी करता है, तब जाके अपने बच्चों का पेट पाल पाता है, और तुमने उसके पैसे नहीं दिए, उसके सामने बदतमीजी की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी एम्प्लॉई हो, मेहनत करती हो अपने काम करने में। वो इंसान भी वही करता है, मेहनत करके अपना पेट पालता है। आज मैंने तुम्हें थोड़ा टफ काम क्या दे दिया, तुम्हें मेहनत की अहमियत पता चल गई। आज तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक दिन में तुम काम नहीं सीख सकती, लेकिन उस दिन उस डिलीवरी बॉय के साथ तुमने जो किया वो बहुत गलत था। छोटे बड़े में फ़र्क नहीं होता, हर इंसान मेहनत करके अपनी रोटी कमाता है, चाहे तुम हो या कोई और। तुमने बहुत गलत किया और मैं चाहती हूँ आज के बाद तुम कभी भी ऐसा ना करो। सॉरी मैम, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, सबसे इज्जत से बात करूँगी और सबको रिस्पेक्ट दूँगी। आई एम रियली सॉरी मैम। ईशु आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर आज के बाद तुमने फिर से ऐसा किया तो वो दिन तुम्हारे इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। मैं ऐसे इम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस में नहीं रख सकती। और हाँ एक और बात, अगर आज के बाद वो डिलीवरी बॉय ऑफिस में आए तो उसे माफ़ी ज़रूर मांग लेना और उससे इज्जत से बात करना, ठीक है? जी मैम। जाओ।